हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस का चैप्टर नंबर 1, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमने इसमें क्या पढ़ा अभी तक? स्टेट्स ऑफ मैटर, कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हमने उसके बाद में क्या पढ़ा था कि मैटर मैटर किस चीज़ से बना होता है? मैटर बना होता है पार्टिकल से। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन दी स्टेट्स ऑफ मैटर, कि टेम्परेचर का या फिर तापमान का क्या प्रभाव रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारा क्या है ये कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर तापमान का क्या प्रभाव रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जब हम किसी सॉलिड का तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हम सभी को पता है कि प्रत्येक मैटर या फिर प्रत्येक सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट मूविंग फास्टर। ठीक है, तो जिस पार्टिकल से सॉलिड बना है वो फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और अब आपके एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी डैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन, जो किसी मोशन के कारण प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पार्टिकल्स में मोशन है तो इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर स्पीड भी बढ़ रही है। इट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे वो क्या करेंगे? जो पार्टिकल के बीच में फोर्स है उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, स्टेज रिच्ड व्हेन द सॉलिड्स मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। एक ऐसा समय आएगा जब सॉलिड पिघल जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हमने किया था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी डैट इज प्रोड्यूस्ड वेन समथिंग इन मोशन। ठीक है, जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके आगे हमने क्या किया था? मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ या वह सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने सभी ने हम आइस के लिए लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कि आइस ठोस होती है, बर्फ ठोस होती है, तो जिस तापमान पर बर्फ ठोस से लिक्विड में, मतलब बर्फ से पानी में बदलना शुरू हो जाएगी, सॉरी, जिस तापमान पर बर्फ तरल अवस्था में आना शुरू कर देगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? 273.16 K। ठीक है, इससे आगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? क्या है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई लिक्विड बॉयल या फिर उबलना शुरू कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। ठीक है, मतलब पानी का बाफ बनना शुरू कब कर देता है? 373 केल्विन पर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? उसका बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमने क्या किया था कि सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट किया था, क्या? सॉलिड से लिक्विड, और अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? लिक्विड से गैस। ठीक है, तो जब लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कोई चीज़ आएगी तो हम उसमें क्या, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? बॉइलिंग पॉइंट की। जिस तापमान पर कोई लिक्विड बाफ में बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। ठीक है, उसके बाद फ्यूजन। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, सॉलिड स्टेट का लिक्विड में बदलना ही क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर के दो इफेक्ट पढ़ लिए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
एक होता है सबलिमेशन। क्या होता है सबलिमेशन? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट इज, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सबलिमेशन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा ही गैस में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबलिमेशन। ठीक है, हम सभी ने हम घर पर कपूर या फिर कैंपर यूज किया होगा, जो कपूर की टेबलेट रखते हैं हम अपने कपड़े वगैरह में, वो इसी का एग्जाम्पल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो ऑटोमेटिक सीधा सॉलिड से खत्म होता जाती है और अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि वो सीधा सॉलिड से गैसीय अवस्था में बदलती रहती है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? सम सब्सटेंस हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट रेंज। कुछ सब्सटेंस का क्या होता है? बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट रेंज होती है, इसी कारण वो तरल अवस्था में ना के सीधा गैसीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सबलिमेशन प्रक्रिया के लिए। टेक कैम्फर एमोनियम क्लोराइड एंड पट इट इन चाइना डिश। या तो हम कैम्फर लेंगे या फिर एमोनियम क्लोराइड देंगे और उसको चाइना डिश में रख लेंगे। पट ए बर्नर अंडर द चाइना डिश। ठीक है, तो हम उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर सम टाइम्स वी ऑब्जर्व डैट कैम्फर फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू गैसीय स्टेट। कुछ समय बाद हमें देखेंगे कि कैम्फर सीधा सॉलिड से या फिर कपूर सॉलिड से सीधा गैसीय अवस्था में बदल रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।